we have started in last class that the various theories which explains the nature of light, in which we have explained the Newton's corpuscular theory. According to the theory, light travels in speed with a very high speed, and light is formed from very small particles called corpuscles. And by using this theory, we can explain the reflection of light and refraction of light. Okay, and this theory was failed to explain the interference and diffraction of light. That's why the wave theory of the light was discovered, which was given by the Huygens. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. Okay. Let's start the next theory, which is. अच्छा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है बेटा, ये किसको एक्सप्लेन करती है बताओ? इट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ओके, चलिए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा बेटा? वेव थ्योरी. तो वेव थ्योरी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हमारे पास बेसिकली क्या थे बेटा? हाइगन्स. ठीक है, हाइगन्स टेल्स अस दैट अकॉर्डिंग टू हाइगन दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल रेज, एंड दीज रेज ट्रेवल इन अ मीडियम विद अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है, और वो जो मीडियम था बेटा, वो कैसा था? हाइपोथेटिकल मीडियम था. ठीक है, जिसमें लाइट जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करती है? ट्रेवल करती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट व्हाट वेव थ्योरी किसने दी बेटा? ये हु प्रोवाइड्स द वेव थ्योरी? हाइगन सर. ये न्यूटन्स. यस. हाँ बेटा. सर हाँ, वही था वो. यू हाँ, है क्या नाम इसका? नाम ओके है. ठीक है, वेव थ्योरी और वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ द लाइट. यहाँ पर ये किसको एक्सप्लेन करता है बेटा? वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट. एंड हाइगन ने क्या बोला बेटा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ mechanical rays and he consider a hypothetical medium. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल का मतलब है बेटा, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. वो सिर्फ हमारी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम ऐसे कुछ अज्यूम करते हैं ना बेटा, सर. इमेजिनरी. इमेजिनरी जो होता है वो इस टाइप का मीडियम है ना, इन हाइपोथेटिकल मीडियम. ठीक है, और जैसे लाइक हमारे पास में क्या होता है, एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था कि ईथर हमारा एक टाइप का मीडियम होता है बेटा. लाइक ईथर for the propagation of light. Then what is meant by mechanical rays over here? Ray which can propagate in a medium. Yes or no? Mechanical rays means to say which those rays which require a medium to propagate from one place to another place.
यस और नो, जैसे मान लो हमारे पास में क्या होगा बेटा कि मैकेनिकल रेज को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दोज रेज विच कैन प्रोपोगेट इन अ मीडियम। ओके, जैसे मान लो हम बात करें बेटा लाइट, किसी भी अगर हमने सपोज यहाँ पर एक ट्यूब हमने ली बेटा, इसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया बेटा, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। देन यहां से अगर कोई साइन बाहर कोई भी साउंड होगा बेटा, तो साउंड उसमें सुनाई देगा क्या अंदर, बताओ? नो सर, नहीं सुनाई देगा ना। बट यहाँ से अगर कोई लाइट रेज यहाँ से हम पास करेंगे तो लाइट यहाँ से लाइट दिखाई देगी बेटा। तो साउंड वेव जो हमारे पास होती है वो कैसी होती है, मैकेनिकल वेव होती है, यस और नो? तो मैकेनिकल वेव साउंड जो होता है बेटा वो हमारे पास इसमें ट्रेवल नहीं कर सकता, मीन्स टू से साउंड वेव को एक मीडियम चाहिए रिक्वायरमेंट, यस और नो? तो यहाँ पर हाइगन ने क्या किया था बेटा, उनको मैकेनिकल रेज कंसिडर किया, और मैकेनिकल रेज कंसिडर करने के बाद में क्या होगा कि मैकेनिकल रेज ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि ही कंसिडर अ हाइपोथेटिकल मीडियम इन विच द लाइट रेज प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस और नो? हियर मैकेनिकल रेज मींस टू से दोज रेज विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ओके, प्रोपोगेट का मतलब क्या होगा कि एक प्लेस से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। सर, जो इन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम ही क्यों लिया, मतलब ये कोई और भी तो मीडियम ले सकते थे, इन्होंने इमेजिनरी क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास में लाइट की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या बोला था कि लाइट किसकी फॉर्म में होती है बेटा, मैकेनिकल रेज की फॉर्म में होती है, और मैकेनिकल रेज की फॉर्म में होगी तो उन्हें मैकेनिकल रेज को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो? जबकि लाइट हमारे पास में लाइट रेज जो होती है वो कहीं पर भी प्रोपोगेट हो सकती है। समझा, समझे बेटा? चलिए, ओके, चलिए उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा बेटा, उन्होंने क्या बोला, ये बोला कि मैकेनिकल रेज होती है और हाइपोथेटिकल मीडियम लाइक ईथर में वो प्रोपोगेट हो सकती है। ठीक है, लेटर ऑन हमारे पास में एक और साइंटिस्ट है बेटा, वो साइंटिस्ट कौन थे, वो साइंटिस्ट थे हमारे पास ना मैक्सवेल। ठीक है, और मैक्सवेल ने हमें क्लियरली बताया बेटा कि इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये मैकेनिकल रे होती है, ठीक है, जो किसी हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके बाद में मैक्सवेल आए, उन्होंने बोला कि जो लाइट रेज होती है वो कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो प्रोपोगेट होने के लिए उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उनकी स्पीड जो होती है बेटा वो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास होती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या हुआ बेटा, लेटर ऑन मैक्सवेल डिक्लेयर्स दैट लाइट वेव्स आर electromagnetic waves, so there is no need of a medium for the propagation. और उन्होंने क्या बोला बेटा, they can also travel in vacuum. Yes or no बेटा? And उन्होंने क्या बोला, the speed of light is maximum in vacuum and it is 3×10⁸ meter per second.
3 into 10 to the power 8 meter per second. Using the wave nature of the light, we can explain the interference of light and diffraction of light. Yes or no, but the wave theory was failed to explain the photoelectric effect. Okay, that's why the quantum theory of the light was discovered. Okay, simple हमारे पास में क्या होगा बेटा? This theory was failed to explain the photoelectric effect. Photoelectric effect. That's why quantum theory was discovered. Quantum theory was discovered. Okay. Next theory, which is third theory, which is quantum theory of light. Quantum theory of light. Okay, quantum theory of light. देखो किसने provide किया सबसे पहले तो हमें प्लैंक ने हमें प्रोवाइड की तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या फिर अकॉर्डिंग टू प्लैंक बेटा इसमें कंफ्यूज में तो ना सी आता है नहीं आता मुझे पता नहीं है सी आता है या नहीं आता है आई थिंक आता है चलिए देख लीजिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक light travels in the form of energy packets. Yes or no? Energy packets. And these energy packets are called quantas or photons. Okay, chalo. Quantas are photons in the form of energy packets. Energy packets matlab chote chote. हाँ, बहुत छोटे packets. इन packets को चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. According to Planck, light travels in the form of energy packets, which are called photons. ऐसे लिखते हैं ना? Which are called photons. Okay. एंड फोटॉन्स के बारे में स्पेशल बात क्या थी बेटा कि फोटॉन्स जब हमारे पास में रेस्ट कंडीशन में होंगे किस कंडीशन में होंगे बेटा रेस्ट कंडीशन में होंगे तो उस केस में तो उनका मास क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा जैसे लाइट एनर्जी आपके ऊपर फॉल हुई बेटा फॉल होने के बाद में आपके ऊपर कुछ वेट फील होता है क्या आपको यस और नो नहीं होता ना बेटा तो इसका मतलब है कि लाइट जैसे आपके ऊपर फॉल हुई या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हुई तो इसका मतलब है उसका मास क्या हो जाता है बेटा जीरो हो जाता है तो जीरो हो जाने की वजह से वहां पर उसका कोई वेट नहीं होता है ठीक है तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि हमारे पास में क्या होगा द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो Yes or no? And energy of each photon is energy को E से represent किया जाता है बेटा और यहां पर ये क्या होगा H
और यहाँ पर एक सिंबल हमारे पास आ रहा है बेटा, उसे बोला जाता है न्यू। बी जो होता है ना बेटा, बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एच न्यू हमारे पास होगा। हियर एच इज नोन एज द, एच इज इक्वल टू द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट है तो बेटा इसकी कुछ वैल्यूज भी हमारे पास होनी चाहिए है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ओके, एंड यहां पर न्यू क्या होता है बेटा, न्यू इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सर वो जूल पर सेकंड है कि जूल सेकंड है? जूल सेकंड है बेटा। जूल पर सेकंड का मतलब, पर का मतलब क्या होता है बेटा, जूल डिवाइड में करना है ना, ये होता है जूल पर सेकंड। हां सर, है ना, तो ये जूल सेकंड है या जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड भी आप लिख सकते हो, है ना, दोनों से। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन व्हिच इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी गुड, बाय यूजिंग दिस थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट effect explained. Okay. Note it down beta. हाँ beta. तो वो E is equal to H V है ना? H new है beta. V जो हमारे V होता है ना beta, V ऐसे होगा, है ना? इसकी जो नीचे वाला face है ना, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे इधर कर दो, तो ये कैसा बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा। इसे बोला जाएगा new, which is known as the frequency of light. Yes beta. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी द लाइट हैज पार्टिकल नेचर, यस और नो, एंड दैट पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ मीडियम एट अ हाई स्पीड, विद अ वेरी हाई स्पीड, यस और नो? मतलब उन्होंने क्या बोला, पार्टिकल नेचर बोला। सेकंड हमारे पास में वेव नेचर बोला, कौन? मैक्सवेल। मैक्सवेल है, उन्होंने क्या बोला बेटा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और कि एक मीडियम में क्या, वैक्यूम में क्या होती है, बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास कौन आया बेटा, नेक्स्ट कौन आया? और पार्टिकल्स को क्या नाम दिया बेटा उन्होंने, एनर्जी पैकेट्स, उन्होंने बोला एनर्जी पैकेट्स और क्वांटास, और उनको लेटर ऑन क्या बोला गया बेटा, फोटॉन्स बोला गया। ठीक है, जब हमारे पास इतनी सारी थ्योरीज आ गई, सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, या फिर कोई डिफरेंट नेचर है, देखो क्वांटम थ्योरी भी हमारे पास आ गई। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है उसके बाद में पास में आप जो सब लोग बता रहे हो वो सारी नेचर होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास पार्टिकल नेचर बोला, सेकेंड वेव नेचर बोला, देन उन्होंने क्या बोल दिया बेटा, लाइट हैज डुअल नेचर। ओके, तो देन हमारे पास फोर्थ वन जो थ्योरी आई बेटा, वो क्या हो गई, फोर्थ वन डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। एंड इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे बताओ? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली एक्सप्लेन्ड द डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ
light. Okay, dual nature of light, that means particle nature and wave nature. ओके देखो पार्टिकल नेचर में हमारे पास में कौन कौन सी हो गई बेटा, फोटोन वाला पार्टिकल भी कंसीडर कर लिया और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर पार्टिकल भी उन्होंने कंसीडर कर लिया है ना। तो फर्स्ट वन हमारे पास में क्या बोला बेटा, फर्स्ट वन हमारे पास में क्या हुआ, पार्टिकल नेचर और हम ऐसा बोल सकते हैं फोटोन नेचर, दोनों को कंसिडर किया। फोटोन नेचर according to this theory matlab bol sakte hain with the help of this nature Einstein explain photoelectric effect. Yes or no बेटा? ठीक है देखो जो फोटोन की जो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी वो किसने प्रोवाइड की थी बेटा, किसने डिस्कवर की थी? प्लैंक। And by using that theory, Einstein explained the photoelectric effect. And second, हमारे पास में कौन सा था बेटा? Wave nature है ना? Wave nature की help से हम किसको explain कर सकते हैं? बताओ मुझे। अच्छा wave nature में क्या बोला बताओ? Electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave electromagnetic wave and it can also propagate in vacuum. Yes or no, beta? Yes or no? And जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेटा, अच्छा मुझे एक बार बताओ ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेटा, वो ट्रांसवर्स होती है या लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है? क्या सर? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है या ट्रांसवर्स वेव होती है? ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्स। बट आप लोगों ने कभी नहीं सुना साउंड वेव, हमने पढ़ा था साउंड में, चैप्टर में पढ़ा होगा, रिलेट था साउंड में नहीं पढ़ा था। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास में कैसी होती है बेटा, ट्रांसवर्स होती है। इट इज transverse in nature. It is transverse in nature. Okay, देखो transverse का मतलब क्या होता है बेटा वो समझो कि देखो जब भी हमारे पास electromagnetic wave होगी बेटा तो wave का जो propagation होता है वो इसी तरह से होता है। देखो है ना बेटा, देखो साउंड वेव जो प्रोपोगेट होती है वो इस तरह से प्रोपोगेट होती है। साउंड वेव में क्या होता है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, तो पार्टिकल से वो कोलाइड करके आगे मूव करती जाती है। यस और नो? यस सर। बेटा साउंड पढ़ा है ना, साउंड जो होता है, ठीक है साउंड हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना,
ठीक है, अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा बेटा, चलिए मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, साउंड वेव जो होती है बेटा, साउंड वेव में क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स होता है, जैसे सपोज हमारे पास ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड में जैसे यहाँ आपने इसको स्ट्राइक किया बेटा, स्ट्राइक करने के बाद में क्या होंगे, यहाँ पे जो नियर बाय पार्टिकल्स होंगे बेटा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। यस और नो? यस सर। वो पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ बेटा, तो ये जो पार्टिकल होंगे वो इस तरह से होंगे, देखो। हाँ या ना, बोलो, है ना, इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। तो जब मैं इसको स्ट्राइक करूंगा बेटा, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। हाँ या ना? तो जब ऐसे मूव करेगा बेटा, तो मूव करने के बाद में ये फिर से क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे आएगा ऐसे। तो जो अपनी ये जो मेन पोजीशन है बेटा, इसके अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो इसके अराउंड ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जैसे ही ये यहाँ पे आगे मूव करेगा बेटा, तो ये अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देगा, नेक्स्ट पार्टिकल को। देन नेक्स्ट पार्टिकल आगे मूव करेगा, देन फिर वो आगे वाले पार्टिकल को। इस तरह से साउंड क्या होता जाता है बेटा, प्रोपोगेट होता जाता है। हाँ या ना? यस सर। यस, तो इस तरह का जो प्रोपोगेशन होता है, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल प्रोपोगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होगा, देखो सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, देन उसको क्या बोला जाएगा बेटा, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यस और नो बेटा? यस, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, मतलब देखो एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है बेटा, और जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यस और नो? यस सर। यस, तो इस तरह का जो प्रोपोगेशन होता है बेटा, उस जो वेव होती है उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड जो ट्रांसवर्स वेव होती है बेटा, उसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। देखो यहाँ पर जो वेव होती है बेटा, वो इस तरह से प्रोपोगेट होती है। ओके, समझ में आया बेटा कैसे किया? देखो यहाँ से क्या होगा कि जो एनर्जी प्रोपोगेशन के डायरेक्शन है वो तो ये है बेटा, देखो। यस और नो? और जो जो पार्टिकल है बेटा, वो वाइब्रेट हो रहा है, ये हमारे पास में क्या होगी, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन मतलब जिसके अराउंड वो मूव करेगा, है ना। तो देखो यहाँ से पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है बेटा, और पार्टिकल फिर नीचे जा रहा है। यस और नो? तो देखो इसको सिंपल से अगर मैं आपको सर एक्सप्लेन करूं, सर आप मेन पोजीशन का मीनिंग रिपीट कर सकते? मेन पोजीशन बेटा, अराउंड विच द पार्टिकल वाइब्रेट। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई भी पार्टिकल है बेटा, ये वाला पार्टिकल है, ये वाइब्रेट हो रहा है, पहले इधर गया बेटा, फिर सेम पोजीशन पे उधर गया, तो ये दोनों तरफ एम्पलीट्यूड इसका फिक्स रहेगा ना। ये वाले जो डायरेक्शन है, जितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेगा उतने डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेगा, तो ये जो पोजीशन होती है उसको बोला जाता है बेटा मीन पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन है बेटा, और इसके अराउंड क्या हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट होगा अप्स एंड डाउन, है ना। ओके ओके, चलिए अब देखो मैं आपके एक बार में कैमरा ऑन कर रहा हूँ मैं फिर से। चलिए देखो बेटा, जैसे साउंड में तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में से ट्रेवल करेगा, है ना। बट जो हमारे पास में देखो, सपोज ये मेन पोजीशन है बेटा, है ना, मेन पोजीशन है, तो जो यहाँ पर एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन तो क्या है बेटा, टूवर्ड्स राइट, है ना, एनर्जी तो ऐसे ट्रेवल कर रही है। बट जो पार्टिकल है वो क्या करेगा बेटा, ये मेन पोजीशन इसके अराउंड ऐसे मूव करेगा। यस और नो? पार्टिकल का मोशन तो ऐसे होगा, एंड एनर्जी का मोशन कैसे होगा बेटा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो देखो ध्यान से, पार्टिकल का मोशन पहले ऊपर होगा, एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है,
फिर पार्टिकल का मोशन इस तरह से नीचे होगा, देन एनर्जी का डायरेक्शन ये है बेटा, तो एनर्जी का डायरेक्शन तो ये होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल वर्टिकल टू द मीडियम, तो इस तरह की वेव्स को क्या बोला जाता है बेटा, परपेंडिकुलर होगा, उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है ना, तो यहाँ पर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं हम, द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, vibrations of the particle are perpendicular to the diagram draw करना, हाँ बेटा diagram draw कर लेना जो लोग करना चाहते हैं, बट यहाँ तक जैसे हमारा जैसे transfer wave का meaning मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप draw कर सकते हो उसको, okay? Vibrations of the particle are perpendicular to the propagation of sir, और कितना remaining है, energy, propagation of energy, then it is called transverse wave, done beta,